तो अब देखते हैं मॉड थ्री के लिए। ओके, सेम क्वेश्चन है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहाँ क्या था आपका मॉड टू, मॉड टू के लिए हमने डीएफए बनाया था। अब यहाँ क्या है, नेक्स्ट है आपका मॉड थ्री, मॉड थ्री के लिए देखते हैं। तो मॉड थ्री के लिए क्या होगा, अगर हम किसी भी डेसिमल वैल्यू पे अगर मॉड थ्री अप्लाई करेंगे, मॉड थ्री, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0, 1 एंड 2। सिंपल वे में देखें, अगर हमें मॉड मशीन कहीं भी बनाने को आएगी, यानी कि एक ऐसा डीएफए कंसर्ट करें जिसमें कहीं मॉड वैल्यू है, तो जो भी मॉड की वैल्यू, सपोज दैट मॉड की वैल्यू सपोज दैट एन, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने आएंगे, एन नंबर ऑफ स्टेट्स। ओके, तो अब मॉड थ्री के लिए क्या करेंगे, तीन स्टेट बनाएंगे, क्यू नॉट, क्यू वन एंड क्यू टू। सेम क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है जो अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया, डिक्टो वही क्वेश्चन है, बस खाली वहाँ मॉड टू के लिए हमने बनाया था, ये मॉड थ्री के लिए। ओके, तो अब क्या होगा, सपोज दैट हमारी कोई एक बाइनरी स्ट्रिंग है 0, तो 0 के करस्पॉन्डिंग अगर डेसिमल लिखेंगे तो भी 0 होगा, और 0 mod 3 अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। अब सपोज दैट, और हमारा आंसर क्या होगा, आंसर का मतलब जो फाइनल स्टेट होगी वो क्या होगी, जिसका रिमाइंडर 0 है, यानी डिविजिबल बाई 3, हर वो डेसिमल नंबर यानी बाइनरी लिखेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो डेसिमल आएगा उसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो ये रिमाइंडर क्या, ये स्टेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिमाइंडर 0, ये स्टेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिमाइंडर 1, और ये स्टेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिमाइंडर 2। तो 2 टाइम 0 आए या 3 टाइम 0 आए, 4 टाइम 0 आए, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0, यानी स्टार्टिंग स्टेट पर क्या करेंगे, 0 का सेल्फ लूप लगा देंगे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद क्या आता है, 1। तो 1 1 बाइनरी, 1 सिग्मा क्या है हमारा, 0,1। ओके, तो 1 आपका बाइनरी है, तो 1 को जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। 1 mod 3 अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 mod 3 विच इज इक्वल्स टू 1। तो रिमाइंडर 1 कौन सा स्टेट रिप्रेजेंट करा, Q1, तो 1 का ट्रांजिशन यहाँ दिखा दिए। ओके, अब नेक्स्ट स्टेट Q1, Q1 के पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि ये Q0 से 1 रीड करके आया है। ओके, तो जब 1 रीड करके आए हैं तो 1 के बाद या तो 0 आएगा या तो 1 के बाद 1 आएगा। तो 1 0 का मतलब क्या हुआ, 1 0 आपका बाइनरी, इसके करस्पॉन्डिंग डेसिमल क्या आएगा, 2। ओके, तो 2 mod 3, 2 mod 3 विच इज इक्वल्स टू 2, यानी Q1 से 1, देखो Q1 तक आए थे 1 रीड करके, इसके बाद या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, इसको भी बाद में देखते हैं। 1 0 का मतलब 2 2 mod 3 विच इज इक्वल्स टू 2, इसका मतलब यहाँ से 0 का ट्रांजिशन कहाँ आएगा, जहाँ रिमाइंडर 2 मिल रहा है। ओके, 1 1 का देखते हैं, 1 1 1 1 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3, एंड 3 mod 3 विच इज इक्वल्स टू 0। देखो 1 1 1 1 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आएगी, 3, यानी 1 into 2 power 1 प्लस, सॉरी 1 into 2 power 0 प्लस 1 into 2 power 1। बाइनरी को डेसिमल में ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं, हो जाएगा 2 2 plus 1 विच इज इक्वल्स टू 3, तो 3 mod 3 विच इज इक्वल्स टू 0, यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिमाइंडर 0। तो ये स्टेट कहाँ है, यहाँ, यानी 1 पे ट्रांजिशन किधर आ जाएगा, इस साइड, ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट है, अब ये स्टेट पे, सॉरी ये 1 का ट्रांजिशन है, यानी इससे 0 और 1 का ट्रांजिशन दिखा दिया। अब Q2 पर आते हैं, तो Q2 स्टेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 और 0 रीड करके यहाँ पहुँचे हैं, 1 0 रीड करके हम कहाँ पहुँचे, Q2 स्टेट पे। तो इसके बाद अगर 0 आता है सपोज दैट, ओके, दो पॉसिबिलिटी आएगी, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो पहले इसको हम एग्जामिन करते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी आएगी, 4। ओके, तो 4 mod 3 विच इज इक्वल्स टू 1, तो रिमाइंडर 1 कौन सी स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला, तो कहाँ गए, यानी 0 पे किधर आएंगे, Q1 पे आएंगे। अब सपोज दैट 1 0 1 है, तो 1 0 1 के करस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यू कितनी होगी, 5। ओके, और 5 mod 3, तो 5 mod 3 कितना होगा, 2। तो 1 का ट्रांजिशन कौन से स्टेट पर आएगा, Q2 पर ही आएगा। ओके, तो ये हो गया mod 3 के लिए DFA। लेकिन अगर इसका हम ट्रांजिशन टेबल बनाएं, फॉर एग्जांपल अगर इसका ट्रांजिशन टेबल बनाया जाए तो कौन कौन सी स्टेट आएगी, Q0, Q1 एंड Q2, ये 3 स्टेट है, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है अगर हमें किसी भी मॉड मशीन का DFA डिज़ाइन करना है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ, यहाँ अगर mod 3 है तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितने आएंगे, 3, अगर mod 4 है तो नंबर ऑफ स्टेट 4 आएंगे, mod 5 है तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितने आएंगे, 5, ऐसे अगर mod n है तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हो जाएंगे, n।
तो अगर थ्री के लिए बना रहे हैं तो टोटल थ्री स्टेट्स आएंगे और ट्रांजिशन क्या है, जीरो एंड वन, यानी इनपुट अल्फ़ाबेट जीरो को अमा वन है, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, क्यू नॉट के जीरो पर क्या मिल रहा है, क्यू नॉट, ओके, क्यू नॉट के वन पे क्या मिल रहा है, क्यू नॉट के वन पे क्यू वन, क्यू वन के जीरो पर क्या मिल रहा है, क्यू टू, और क्यू वन के वन पे क्या मिल रहा है, क्यू नॉट, ओके, क्यू टू के जीरो पे क्या मिल रहा है, क्यू वन, और क्यू टू के वन पे क्या मिल रहा है, क्यू वन। तो अगर इस डायग्राम को और इस ट्रांजिशन टेबल को कंपेयर करेंगे तो सिंपली अगर कहीं मॉड मशीन आएगी तो इसका एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट क्या है, उसको अगर एनालाइज करेंगे सिंपली इधर क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू लिखेंगे, ये आपकी इनिशियल स्टेट होगी और यही फाइनल स्टेट होगी, दैट मीन यही इनिशियल और यही फाइनल होगी, जो रिमाइंडर जीरो शो करेगा वही क्या होगा आपका, अगर डिविजिबल बाई थ्री, डिविजिबल बाई थ्री का मतलब मॉड थ्री विच इज इक्वल्स टू जीरो अगर आ रहा है रिमाइंडर, ओके, तो क्या आ रहा है, जीरो वन, इस तरीके से इनपुट अल्फ़ाबेट लिख लेंगे और क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, क्यू नॉट क्यू वन, सॉरी ये क्या है आपका क्यू टू है, तो यहाँ क्या जाए क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, दैट मीन्स इसको किस तरीके से लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, ये स्टेट लिख लेंगे, ये हमारी क्या है प्रेजेंट स्टेट है और ये क्या है नेक्स्ट स्टेट है, ट्रांजिशन टेबल जो ऑलरेडी हम लोग डी एफ ए के डेफिनेशन में डिटेल में देखे थे। तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, ये स्टेट्स यहाँ लिख लेंगे और जो स्टेट आएगी क्यू नॉट क्यू वन को हम हॉरिजेंटली फिल करते जाएंगे, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, फिर से रिपीट करेंगे क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू। अब सपोज इसी ट्रांजिशन टेबल के थ्रू मॉड फोर का बनाएंगे तो कैसे आएगा देखते हैं, मॉड फोर का अगर ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं तो मॉड फोर के लिए क्या आएगा, इनपुट अल्फाबेट जीरो वन, नंबर ऑफ स्टेट्स कितना हो जाएगा, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू एंड क्यू थ्री, क्योंकि मॉड फोर जब आएगा यहाँ अब थ्री नहीं है, अब क्या है यहाँ पे मॉड फोर, ओके। तो इसके लिए अगर ट्रांजिशन टेबल फिल करेंगे तो कैसे फिल करेंगे, सिंपली क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री स्टेट है, इसको हॉरिजेंटली फिल करते हैं, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू एंड क्यू थ्री, फिर स्टार्ट करेंगे क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू एंड क्यू थ्री। इसका डायग्राम बनाते हैं डी एफ ए, तो देखते हैं क्या ये एग्जैक्टली वही बन रहा है जैसे हम लोग अभी बनाए थे। तो क्या आएगा, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू एंड क्यू थ्री, और यही इनिशियल होगी और यही फाइनल होगी, ओके, क्योंकि हमें क्या चाहिए मॉड फोर विच इज इक्वल्स टू जीरो। तो क्यू नॉट के जीरो पे क्या मिल रहा है, क्यू नॉट, क्यू नॉट के जीरो पे क्यू नॉट मिल रहा है, क्यू नॉट के वन पे क्या मिल रहा है आपको क्यू वन, क्यू वन के जीरो पर क्या मिल रहा है क्यू टू, और क्यू वन के वन पे क्या मिल रहा है क्यू थ्री, ओके, क्यू टू के जीरो पर क्या मिल रहा है, क्यू टू के जीरो पर क्यू नॉट मिल रहा है, क्यू टू के जीरो पर क्यू नॉट मिल रहा है, और क्यू टू के वन पे क्या मिल रहा है क्यू वन, क्यू टू के वन पे यानी वन पे क्या मिल रहा है क्यू वन, फिर उसके बाद क्यू टू फिनिश, क्यू थ्री के जीरो पर क्या मिला क्यू टू, क्यू थ्री के जीरो पर क्या मिला क्यू टू, और क्यू थ्री के वन पे क्या मिला है क्यू थ्री। तो ये हो जाएगा मॉड फोर के लिए। कोई एक स्ट्रिंग लेके चेक करते हैं क्या ये डायग्राम सही है, सपोज दैट वन जीरो एंड जीरो, इसके करस्पॉन्डिंग अगर डेसिमल लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, फोर, फोर मॉड फोर विच इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, एक्सेप्ट होनी चाहिए, ओके। तो क्यू नॉट पे वन यानी क्यू नॉट पे वन रीड करके कहाँ पहुँचे, क्यू वन पे, और क्यू वन पे जीरो रीड किए, क्यू वन पे जीरो रीड के कहाँ पहुँचे क्यू टू पे, और क्यू टू पे जीरो रीड किए तो वापस क्यू नॉट पे आ गए। इसका मतलब ये एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग हमें कौन सी स्टेट मिले, क्यू नॉट, क्यू नॉट क्या है फाइनल स्टेट है। अब एक ऐसी स्ट्रिंग देखते हैं जो रिजेक्ट हो रही है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। तो सपोज दैट है 101, तो 101 के करस्पॉन्डिंग जो डेसिमल वैल्यू वो क्या है आपकी 5, ओके, तो 5 है, तो 5 mod 4 विच इज इक्वल्स टू 1, तो कौन सी स्टेट पे आना चाहिए, रिमाइंडर 1 वाले पे। तो देख लेते हैं 101 क्यू नॉट के 1 पे, क्यू नॉट के 1 पे कौन सी स्टेट मिल रही है क्यू वन, और क्यू वन के 0 पर क्या मिल रहा है क्यू टू, और क्यू टू के 1 पे वापस कौन सा मिल रहा है क्यू वन। तो इसका मतलब एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग कौन सी स्टेट मिल रही है क्यू वन, क्यू वन क्या आपका
रिमाइंडर वन आ रहा है यहाँ पे, तो क्यू वन आना चाहिए, क्योंकि ये स्टेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिमाइंडर जीरो, रिमाइंडर वन, रिमाइंडर टू एंड रिमाइंडर थ्री। तो इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। और इनपुट अल्फ़ाबेट कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनपुट अल्फ़ाबेट, सपोज दैट अगर इनपुट अल्फ़ाबेट क्या हो गया, मॉड फोर के लिए अगर इनपुट अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा, जीरो वन एंड टू आ गए, सपोज दैट तीन इनपुट आ गए, यानी एक ऐसी सिग्मा जिसमें जीरो वन टू तीनों हैं, तो क्या करेंगे, ये स्टेट में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि क्या होगा, किसी भी नंबर पे अगर हम मॉड फोर अप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर जीरो वन टू या थ्री आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो क्या करें, इसको हॉरिजेंटली हम फिल कर देंगे, तो यानी क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, फिर क्यू थ्री, क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू एंड क्यू थ्री, इस तरीके से बना लेंगे। तो इनपुट अल्फ़ाबेट कुछ हो, अगर मॉड की वैल्यू है तो एज इट इज़ ऐसे कर लेंगे। तो सिंपल वे, ये सिर्फ इसी के लिए एप्लीकेबल है, बाकी रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल होंगे उसमें हमको एग्जामिन करना पड़ेगा। ये जब आपका एज ए इनपुट बाइनरी नंबर दिया और उससे करस्पॉन्डिंग अगर हम डेसिमल लिख रहे हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। ओके।